1980 और 1990 के दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड में, जहां एक जानिब दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी का तूती बोलता था, वहीं अरुण गौली और अमर नाइक के ग्रुप भी सरगरम थे। अंडरवर्ल्ड के दो बड़े किरदार हाजी मस्तान मिर्जा और करीम लाला का दबदबा भी कायम था, और अजीज दिलीप और इनके बेटों हमीद और मजीद के नाम भी लोगों में थरथरी पैदा किया करते थे। और पठान गैंग में समद खान की बर्बरियत के वाकयात से लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाया करते थे। और मानिया सूर्वे और मुनीर शेख अलग मुंबई वालों के लिए दर्द सर बने हुए थे। पुलिस कांस्टेबल इसहाक बागबान, इसकी पहली तैनाती कलाबा पुलिस स्टेशन में हुई थी, और इसी पुलिस स्टेशन में काम करते हुए अंडरवर्ल्ड के कई बड़े चेहरे इनके सामने आए थे, जिन लोगों ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखी होगी, इन्हें इस फिल्म का एक किरदार लुटिया पठान जरूर याद होगा, जो एक डांसर को उठा ले जाता है। लुटिया पठान का किरदार करण कुमार ने अदा किया था और डांसर माधुरी दीक्षित थी। ये दोनों ही किरदार हकीकी जिंदगी से लिए गए थे। करीम लाला के भतीजे समद खान ने कलाबा पुलिस स्टेशन हलके में आने वाले एक मशहूर बार सोनिया महल से एक डांसर को अगवा किया था। बागबान इस वाक्य का जिक्र करते हुए तहरीर करते हैं, एक शब्द जब सब इंस्पेक्टर राजा तांबिट, सब इंस्पेक्टर अशोक देसाई और मैं ड्यूटी पर थे। सोनिया महल का मालिक एक बूढ़े शख्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, ये शरीफ आदमी रिटायर्ड रेलवे अफसर है, इसकी बेटी सोनिया महल के डांसरों में से एक है, आज कुछ लोग आए और इसे उठा कर ले गए। वो कौन लोग थे? सर, वो समद खान और अंजुम पहलवान थे, हम इन्हें खूब जानते थे। समद खान करीम लाला का भतीजा था और औरतबाजी के लिए बेहद बदनाम था। हमने मामला दर्ज करके पुलिस इंस्पेक्टर एनजे मानिक शाह को इतला दी, उन्होंने फौरन कार्रवाई का हुक्म दिया। इसी शब सब इंस्पेक्टर तांबिट और सब इंस्पेक्टर देसाई ने खान को इसकी रखेल के घर से धर दबोचा। पुलिस इंस्पेक्टर मानिक शाह और मैंने मरीन ड्राइवर के ज्योति सिद्धन से पहलवान को पकड़ लिया। इसहाक बागबान के मुताबिक समद खान ने सोनिया महल में सबके सामने डांसर को उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया था, वहां बैठे लोगों के होश उड़ गए थे। समद खान की मौत डी कंपनी के गुर्गों की फायरिंग में हुई थी। इसहाक बागबान ने दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के इख्तलाफात और इनके दरमियान खून खराबे को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान किया था। पुलिस इंस्पेक्टर बागबान के मुताबिक अदालत पठान गिरोह के मेंबरान से, जिनकी रहनुमाई अमीरजादा के वाली नवाब खान कर रहे थे, खचाखच भरी हुई थी। इनका पार्टनर माधु भाई मटके वाला आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई आज मुखालिफ पार्टी भी अदालत में मौजूद है, इसलिए हम पूरी ताकत के साथ यहाँ मौजूद हैं। दूसरे मंजिले पर दाऊद की सिंगापुर स्मगलिंग मामले की सुनवाई थी। गैंग के ज़्यादातर मेंबरान अदालत में मौजूद थे। जब इन्हें पता चला कि मीरजादा के मुकदमे की पहले मंजिल पर सुनवाई है, तो वो नीचे उतर आए। जब हम अमीरजादा को कमरे अदालत में ले जा रहे थे, तब दाऊद रास्ते में आ गया और बेतरह गालियाँ देने लगा। अमीरजादा ने कहा, मैं पठान ज़्यादा हूँ, सर बराए करम मेरी हथखड़ियाँ खोल दें, मैं वादा करता हूँ कि भागूंगा नहीं, मैं बस इसे दाऊद को हथकड़ी से सबक सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, इनके पास हथियार हैं, सर मैं डरता नहीं, किसी की जान सिर्फ बंदूक की गोलियों से नहीं जाती। फजा कशीदा हो गई, हर तरफ तनाव था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। मटके वाला दाऊद और इसके गैंग के सामने अकड़ दिखा रहा था। दाऊद ने इसे थप्पड़ जड़ दिया और दोनों ही गैंग एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस इंस्पेक्टर बागबान के मुताबिक एक वाक्या कमरा अदालत में बड़ा राजन के कत्ल का है। 30 सितंबर 1983 को मुंबई की स्पेनलैंड कोर्ट में चंद्रशेखर सफालीगा नामी कत्ल नेवी अफसर के लिबास में मौजूद था। इसने करीब से बड़ा राजन पर गोलियां बरसाई, इसने वहीं दम तोड़ दिया। ये कत्ल पठान गैंग के अमीरजादा के कत्ल का बदला था। अमीरजादा को भी कमरा अदालत में ही डेविड परदेसी नामी कातिल के हाथों कत्ल कराया गया था। इसहाक बागबान बताते थे, इस मामले में बड़ा राजन का नाम पहली बार सामने आया था।
परदेसी ने तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया था कि दाऊद ने साबिर के कत्ल का बदला लेने के लिए बड़ा राजन से हाथ मिलाया था और इससे अमीरजादा के कत्ल के मंसूबा बंदी के लिए कहा था। बड़ा राजन ने इस काम के लिए परदेसी की खिदमात हासिल की थी। दाऊद इस मंसूबे का हाजिर दिमाग था। मुंबई शहर में किसी गैंगस्टर को मुठभीड़ में मारने का पहला कारनामा किसी और का नहीं इसहाक बागबान का ही था। मानिया सूर्वे अपने दौर में मुंबई में एक दहशत का नाम था। ये लोगों से हफ्ता वसूली किया करता था और हफ्ता ना देने वालों को मौत के घाट उतारने में इसे कोई हिचक नहीं होती थी। मानिया सूर्वे अपने गैंग के साथ होटलों, शराब के अड्डों, बारों और मटकों के अड्डों पर लूट मार भी किया करता था। वडाला इलाके में एम्बेटर कॉलेज के करीब मानिया सूर्वे की मौजूदगी की इतला पाने के बाद जो पुलिस टीम वहां पहुंची थी इसमें इसहाक बागबान शामिल थे। पुलिस ने इलाके में घेरा डाल दिया। जब मानिया सूर्वे पुलिस को नजर आया तब इसहाक बागबान ने इसे ललकारा। जब मानिया सूर्वे पलटा तो इसका तवाजुन बिगड़ गया था। मौके का फायदा उठाने के लिए इसने अपने मोजे में हाथ डाला जहां इसकी मौजर पिस्तौल थी और मुझ पर फायर कर दिया। बस गोलियां मुझे तकरीबन छूते हुए गुजर गईं। इसी वक्त बस स्टॉप पर एक बेस्ट बस रुकी थी। इसका कंडक्टर ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है नीचे उतरा था। वो मानिया की अंधाधुंध गोलीबारी से ज़ख्मी हो गया। दरियसना मैंने दुरुस्त निशाना लेने के लिए पोजीशन ली और 6 फुट के फासले से मानिया पर गोली चला दी। मैं यानी कि इसहाक बागबान कांस्टेबल चीखा, राजा फायर करो। और सब इंस्पेक्टर तांबट ने भी मानिया सूर्वे पर गोली चला दी। इसके आगे मानिया सूर्वे के जिगरी दोस्त और खौफनाक गैंगस्टर मुनीर शेख की मुठभेड़ की भी सनसनीखेज तफसीलात शामिल हैं। मानिया सूर्वे को मौत के घाट उतारने के बाद बाल ठाकरे ने अपने सेक्रेटरी से कहा, राज्य चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगाओ। श्री बाला साहब ने चीफ मिनिस्टर से तफसीली बात की। इनकी वजाहत से गैर मुतमईन, इन्हें बाल ठाकरे ने कहा, हुकूमत जाए भाड़ में, इन लड़कों पुलिस अफसरान की क्या गलती है, इन्हें क्यों मुअत्तल किया जाए, जो हुआ सो हुआ, अब फौरन ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। और इनकी मुअत्तली के अहकाम वापस ले लिए गए। पुलिस कांस्टेबल इसहाक बागबान बताते हैं, 26 जनवरी 2010 को मुझे नरीमन हाउस ऑपरेशन के लिए गवर्नर शंकर नारायण के हाथों बहादुरी का एक अवार्ड दिया गया। हालांकि मैं रिटायर्ड हो चुका था, हुकूमत ने मुझे अवार्ड तकरीबात के मौके पर यूनिफॉर्म पहनने की खसूसी इजाज़त दी थी। ये तीसरा मौका था जब मुझे बहादुरी का अवार्ड मिला था। मैं अपने मुल्क और अपने प्यारे शहर मुंबई की इंतहाई दुश्वार हालात में दहशत गर्दों से भिड़कर खिदमात कर सका, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। भले ये मौका मेरे कैरियर के आखिरी दिनों में आया, तमाम मुंबई के डॉनों को मैंने लगाम डाल के रखी थी। कांस्टेबल इसहाक बागबान ऐसे पुलिस इंस्पेक्टरों में से था जो डरने वालों में से नहीं था और किसी के रोबो दबदबा में आने वाला भी नहीं था। इसने मुंबई के डॉनों को सही मानों में लगाम दे रखी थी। वो डरने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि मैंने अपना फ़र्ज़ किस तरह सर अंजाम देना है और इसे अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार कत्ल करने की भी धमकियां मिलती रहीं, लेकिन वो इनसे बालातर होकर मुंबई और मुंबई के लोगों की खिदमत करता रहा। वो एक बहादुर शेर की तरह अपना सीना तान कर मुंबई अंडरवर्ल्ड के सामने डटा रहा और इनको नाकों चने चबवाने के बाद इसे भारतीय हुकूमत की तरफ से बहादुरी का अवार्ड दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये अवार्ड लेने के लिए मुझे अपनी जान हथेली पर रखना पड़ी थी, वरना कौन बेवकूफ़ होगा जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉनों से पंगा लेना चाहेगा। कांस्टेबल इसहाक बागबान एक दिलेर और नडर पुलिस कांस्टेबल था और मुंबई के लोग आज भी उसे इज्जत की निगाह से याद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह निगहबान।